नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज अनुपमा की कड़ी काफी अलग थी, काफी कुछ था इसमें जिसके बारे में क्यूरियोसिटी भी थी, क्योंकि रीकैप में कुछ ऐसी चीजें दिखाई गई जिसको जानने के लिए हम फटाफट से अगला एपिसोड देखना चाहेंगे। तो आपने भी बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज भेजे हैं अपने ऑडियोज के जरिए, उनको सुनाती हूँ। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले ऑडियो से। हेलो अंजू मैम, श्रद्धा है। आज का एपिसोड देखा तो आज जैसे हमने देखा काव्या शाह हाउस में फिसल के गिरती है एंड फिर अनुपमा अनुजन वनराज उसको लेके हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वो प्रोसीजर जो दिखाया, जो वो एक सीन था, वो एक नेचुरल एक रिएक्शन होता है अनुपमा का कंसर्न दिखाना, अनुज का भी मतलब एक वनराज के प्रति एक वो थोड़ा कंसर्न दिखाना कि मतलब वो भी एक नेचुरल रिएक्शन है। तो ठीक है, वो आज का वो सब सही था। एंड जैसे आज हमने देखा कि अनुपमा अनुज को वो सच बताना चाह रही थी, इसका वो बताना चाह रही है, बट उसे ऐसा है कि वनराज एंड काव्या के बीच की बात है, उन दोनों ने मना किया है, तो मैं कैसे बोले, तो वो हिचकिचाहट अभी भी है। तो पता नहीं अभी इसका क्या, बट वो जब बताना चाह रही थी तभी तोशु एंड समर आ जाते हैं, तो पता नहीं अभी इस चीज़ का क्या रिपरकशन होगा। बिकॉज मतलब अनुज तो ऑब्वियसली वो तो समझता है, वो सवाल करेगा भी नहीं कि, और वो माइंड भी नहीं करेगा कि अरे तुमने मुझे इतनी बड़ी बात क्यों नहीं बताई, वो वैसे वैसा बंदा है भी नहीं, हो तो वो क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेगा उस चीज़ पे। एंड फिर बट जैसे हमने अभी प्रीकैप में जैसे देखा है कि अनुपमा वनराज कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं, वनराज बोलता है कि मैं अनिरुद्ध के बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करूँगा, एंड तब हम देखते हैं अनुज ने शायद वो बात सुनी है। तो अभी कल के एपिसोड में ही पता चलेगा एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है, कि अगर कि वाकई अनुज ने वो बात सुनी है, उसे सच पता चला है, अनुपमा ने उसे सच बाद में बताया है कि नहीं, वो अभी कल देखने लायक होगा। क्योंकि अभी ये दो मतलब कुछ एपिसोड से हम देख रहे हैं, बार बार हाईलाइट हो रहा है कि अनुज को ये बात नहीं बताई जा रही है, ये छुपाई जा रही है, तो ये बहुत बार हाईलाइट हुआ है, आज भी मतलब हाईलाइट हुआ है। तो मुझे अभी दो पॉसिबिलिटीज़ एक तो दिख रही है, जैसे मैंने अभी बताया कि एक तो अनुज को पता चल गया, अनुपमा ने वो बात बता दी है, ये एक सिनेरियो है। एंड सेकंड ये हो सकता है कि वनराज वो तो चाहता नहीं अनुज को ये बात पता चले, तो वनराज शायद बात को घुमा दे, कुछ झूठ बोल दे, तो एंड शायद अभी ये देखना होगा कि अगर वनराज ने ऐसा किया तो अनुपमा क्या साथ देगी, या फिर वो सच्ची में अनुज को मतलब कुछ ना कुछ एक अपने तरीके से कन्वे करेगी कि मैं आपको बताना चाहती हूँ बट मेरे हाथ में नहीं है, मतलब ऐसे कुछ भी करके अनुज को एक वो बता दे कि मैं अभी वो स्टेट में नहीं हूँ बताने के लिए। अगर ये किया तो ये अच्छी बात होगी, बट अगर उसने वनराज का साथ दिया एंड जैसे अगर उसने झूठ बोला, वनराज ने बात घुमाई एंड अनुपमा ने भी कवर अप करने की कोशिश की एंड अनुज को अगर कुछ झूठ मूठ का कुछ बोल दिया, तो फिर ये गलत होगा, तो ये अनुपमा के पार्ट पे बहुत गलत होगा। तो आई रियली होप कि ये सिचुएशन ना हो, अनुपमा सच बता दे, क्योंकि आज भी हमने देखा कि वो बताना चाह रही थी। तो अभी ये कल के एपिसोड में इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए कि एग्जैक्टली क्या होता है। एंड कपाड़ी हाउस में हमने देखा जैसे पाखी रोमिल का कॉन्वर्जेशन वो अच्छा था, बट अधिक का वो दोनों का कॉन्वर्जेशन देखना, तो अधिक तो डेफिनेटली अभी पाखी को और टॉर्चर करेगा इन दोनों के रिलेशन को लेके, एंड पता नहीं अभी क्या अधिक और डेंजरस हो सकता है, पाखी के लिए रिस्क बढ़ने वाला है, तो ये देखने लायक होगा आगे क्या हो पाखी के साथ होगा। एंड हाँ, जैसे अभी गुरुमा का अनुपमा अनुज के कार से आके टकराना, अनुपमा का गुरुमा को देखना, बट फिर मतलब गुरुमा वहाँ से चली जाती है, बट अनुपमा अभी भी वो एक फिक्स में है कि क्या वो गुरुमा है नहीं है, तो वो भी थोड़ा शॉक्ड है। तो अभी ये देखना होगा कि मालती देवी का कैसे ट्रैक अनफोल्ड होगा, उनके साथ क्या हुआ एग्जैक्टली, तो ये आगे वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। मेरा बस अभी एक ही कंप्लेंट है मेकर्स से कि अभी अनुपमा का ये जो काव्या एंड वनराज के बीच की जो बात है, इनके मैटर में अभी अनुपमा का इन्वॉल्वमेंट अभी बंद कर दे। आज मेडिकल इमरजेंसी थी, हॉस्पिटल में लेके गए, आज तक का चलो ठीक है मान लिया, बट आई रियली होप कि आगे और अनुपमा को इस चीज़ में ना घुसा दे, एंड क्योंकि ये बहुत अनुपमा एंड वनराज का ये जो बार बार कॉन्वर्जेशन, ये जो इंटरेक्शन हो रहा है, वो अभी बहुत एक अलग क्रिंज, हम जैसे इंग्लिश में एक वर्ड है क्रिंज लेवल, मतलब बहुत ही ऐसे
नहीं वो अच्छा नहीं लगता वो देख के बार बार कि वनराज को जब भी कुछ प्रॉब्लम मुसीबत होती है तो अनुपमा का वो उसके पास होना, फिर एक वो मोटिवेशन देना कि उसको एक कंसोल करना, ये बार बार हो चुका है उसके साथ। तो अभी अगर हम अनुपमा एंड अनुज का एक इक्वेशन देखें एंड अनुपमा एंड वनराज का इक्वेशन देखें, उनके सिचुएशंस में देखें, तो वनराज का हमने जैसे देखा है कि टाइम एंड अगेन बच्चों के थ्रू हो या फिर कुछ और हो, वनराज को जब भी एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी उसको पता अनुपमा है। तो वनराज का एंटाइटलमेंट जो है अनुपमा के ऊपर वो जाता ही नहीं है, उसको पता है कि कल को कुछ भी हो गया तो अनुपमा मेरी हेल्प करने के लिए आ जाएगी। तो वो उसका एक वो बोलते ना अपर हैंड है अनुपमा पे, एंड उसको बराबर पता है कि अनुपमा तो रहेगी ही सपोर्ट करने के लिए एंड ये करने के लिए। एंड अगर कट्टू हम जब अनुज का हम देखते हैं तो अनुज को जब उसकी अनुपमा की जब ज़रूरत थी, उसको एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी, तब हमने कई बार अनुपमा को देखा है कि उसने अनुज के फीलिंग्स को अनदेखा करके उसने दूसरे के फीलिंग्स को ऊपर रखा सबसे। जैसे अभी माया के छोटी के बर्थडे के दिन ही की बर्थडे पार्टी की बात है, तो जब अनुज खुश होके बोल रहा था छोटी के लिए, छोटी भी इमोशनल होके बोली कि मैं पापा आपको छोड़ के नहीं जाऊँगी, एंड उसी टाइम पर वो जब एक फैमिली मोमेंट होता है तो अनुपमा ने क्या किया, झट से माया को स्टेज पे बुला के बोला कि माया और सबके सामने ऐलान किया कि माया छोटी की बायोलॉजिकल मदर है, एंड वो मोमेंट ब्रेक कर दिया एंड वहीं पे अनुज का दिल तोड़ दिया। तो हमने ऐसे बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस देखे जहाँ पे अनुज के फीलिंग्स को कभी शायद उसने अहमियत दी नहीं है एंड सामने वाले को उस फीलिंग्स के मतलब ऊपर रखा है, अनुज की फीलिंग्स के ऊपर रखा है। तो ये जब हम देखते ऐसा आज तक मतलब आफ्टर अनुज के एक्सीडेंट, एंड मैं ये मेरे अजम्पशंस नहीं बोल रही हूँ बट मैंने जितना अभी एक साल ये मान के शादी के बाद की जितना भी मैंने ये सब देखा है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसा आज एक भी मोमेंट, आई एम श्योर बाकी आंटीज भी जब वो देखेंगी वो भी सोचेंगी तो वो भी कहेंगी शायद कि एक भी मोमेंट ऐसा नहीं है जहाँ पे हमने अनुपमा को सिर्फ अनुज के लिए अनुज के बारे में सोचते हुए देखा है कि भाई अनुज आप ठीक है, आपको क्या हो रहा है, मतलब हमने ऐसा कभी उस अनुज को मोटिवेट करते हमने कभी नहीं देखा है एक्सेप्ट फॉर द अनुज के एक्सीडेंट के ट्रैक। वो एक ही ट्रैक वो मुझे जहाँ तक याद है हमने देखा था कि अनुज को उसने बहुत ही मॉरली इमोशनली बहुत सपोर्ट किया था, वो बहुत अच्छा लगा था, बट उसके बाद ये जो शाज के प्रॉब्लम्स और इसके बाद हमने कभी भी ये एक मोमेंट एक पति पत्नी के बीच के एक मोमेंट हमने कभी देखा नहीं। एंड जब हम आज ये अनुपमा एंड वनराज का ये बार बार जब इंटरेक्शंस देखते हैं, अनुपमा का बार बार उसको एक वनराज को एक सपोर्ट देना, तो कहीं ना कहीं ये बात चुभती है एंड बुरी भी लगती है। तो आई रियली होप अभी ये ज़्यादा ओवर इन्वॉल्वमेंट ना हो ये काव्य एंड वनराज के मैटर में, एंड जहाँ यहाँ पे तो उन दोनों के बच्चों के बीच की बात भी नहीं है, इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, ये तो थर्ड पर्सन की बात है, यहाँ पे काव्य एंड वनराज के बच्चे मतलब काव्य का बच्चा एंड वनराज का वो इक्वेशन है, तो इसमें अनुपमा का भी लेना देना होना भी नहीं चाहिए। एंड आज ये जो हॉस्पिटल सीन यहाँ पे अभी ये जो हुआ, यहाँ तक ही एक लिमिटेशन, यहाँ तक एक बाउंड्रीज होनी चाहिए, उसके बाद आई पर्सनली वोंट लाइक टू सी ज़्यादा इनका उनके बीच में इंटरेक्शंस। बाकी अभी देखते हैं आगे एपिसोड्स में क्या होगा, क्योंकि ये तो शाह हाउस में तो ड्रामा होना ही है, जब खुलासा होगा तो बात तो पहले तो अनुपमा पे ही ब्लेम डालेगी एंड फिर वो सब अनुपमा के ऊपर ही चढ़ेंगे, एंड कहीं ना कहीं इस बात से अनुज को अफेक्ट होगा, अनुज को ये बात से हर्ट नहीं होगा कि अनु ने मुझसे ये बात छुपाई, बट ये हर्ट हो सकता है कि अनुपमा को वापस सबके सामने जलील होना पड़ा, वापस सब मतलब सब उसको सुना रहे होंगे, तो अनुज को वो बात कभी भी अच्छी नहीं लगेगी कि कोई भी उसके सामने अनुपमा को कोई कुछ भी सुनाए। तो आई रियली होप आगे ये मैटर थोड़ा अच्छे से हैंडल हुआ, एंड अनुपमा का भी बहुत हो गया इन्वॉल्वमेंट वान्या के मैटर में, बस अभी मुझे यही कहना है। तो लेट्स सी आगे क्या दिखाते हैं एपिसोड्स में। थैंक यू संजू मैम, मैं मनीषा दोषी, मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैम आज आपकी तबीयत थोड़ी अच्छी होगी ऐसी आशा रखती हूँ, थोड़ी सी आवाज़ तो अच्छी लगी आपका वीडियो देखकर, पर फिर भी एकदम ठीक हो वो आप बताइएगा, कैसी है आपकी तबीयत मैम। मैम अभी आपका वीडियो देखा कि रोमिल को दूर रखने के लिए शैतान पाखी को इमोशनल ब्लैकमेल करेगा, इस तरह का आपके वीडियो से समझ में आया। हाँ आज उसने कुछ कहा नहीं है लेकिन वो ये कह देगा कि मुझे इस बच्चे को देख के भले तुम्हारा कुछ भी रिश्ता नहीं है
लेकिन लोग देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि तुम्हारा कुछ उससे गलत रिश्ता है या मुझे जीच का धोखा याद आएगा, इसीलिए तुम दूर रहो उससे, क्योंकि ये शैतान जानता है कि जो भी लोग पाखी को सपोर्ट करते हैं, जो भी उसके गलत इरादे को पहचानने लगे हैं, वो उन सबको पाखी से दूर ही रखने की कोशिश करेगा। पर उसे अनुपमा की इंसल्ट कर देती है पाखी, ये गलत कर रही है, इसीलिए तो इसे ज़्यादा मौका मिल रहा है, और इसके सारे कामों गलत कामों को करने के लिए खुद पाखी ही बढ़ावा दे रही है। पर पाखी इतनी ज़्यादा इमोशनल फूल कैसे हो सकती है? मैंने अभी धारावाहिक भी देखा, धारावाहिक के शुरुआत में काव्या को कुछ अलग ही महसूस हो रहा है, कुछ उसके साथ गलत एहसास होने वाला है, ऐसा एहसास हो रहा है, और बाद में डिंपल की सहेलियों की बात के द्वारा अनजाने में ही सही इंसल्ट हो जाती है, चली जाती है उसकी फ्रेंड्स, वो सारे के सारा गुस्सा बापे निकालती है। कल बापूजी ने सही कहा था, एक माचिस की तीली, दूसरा बारूद का गोला, लीला और डिंपल को एक साथ कभी नहीं रखा जा सकता। और डिंपल की गलती से काव्या को थोड़ा सा खतरे में आ गई, तो तोशु का गुस्सा होना स्वाभाविक लगा। आज तोशु के अंदर भी एक अच्छाई देखने को मिली कि उसे काव्या भले पसंद थे है नहीं है, लेकिन इस समय वो प्रेग्नेंट है, तो उसके लिए इन लोगों का थोड़ा सा वो गुस्सा होना जायज लगा। समर ने भी इस समय कह दिया कि गलती जानबूझकर नहीं की है, लेकिन गलती तो हो गई है ना। फिर बाद में किंजल ने समझाया, कम से कम एक व्यक्ति तो है, और बा ने अच्छा कहा डिंपल से कि लेना है तो तुम अच्छाई सीखो ना, अनुपमा की अच्छाई से कुछ सीख नहीं रही हो। और काव्या ने भी सही कहा डिंपल को कि तुम नकलची बंदर हो क्या, कि सबकी नकल ही करनी है, सबकी गलत बातों की क्यों नकल करती हो? सच में डिंपल एक भी मौका नहीं मिल छोड़ती किसी को भी सुनाने का। पर हाँ, बाद में डिंपल में भी ये अच्छाई देखी कि अभी उसे गिल्ट महसूस हो रहा है कि उसकी वजह से हादसा हो गया है, रब कुछ करना मत, इसे और इसके बच्चे को बचा लो, और समर से ये कहना कि पैसे की ज़रूरत हो तो तुम दे देना, अनुज सर और अनुपमा मैम को मत देने देना, मम्मी और अनुज सर को मत देने देना, ऐसा बोलना अच्छा लगा कि कम से कम थोड़ी सी इंसानियत तो है डिंपल में। और वहाँ पे रोमिल किचन में आके पाखी को सच का आईना दिखा रहा है कि अधिक तुम्हें इमोशनल, फिजिकल और मेंटली टॉर्चर करेगा ही किसी ना किसी बहाने से, पर पाखी को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। और रोमिल का ये भी कहना कि तुम जानती हो कि उसने कुछ गलत किया है, अनु मैम और अनुज सर, अनुज अंकल की कंपनी में इतना बड़ा घोटाला किया है, तो पाखी को उसे चुप करवा देना। और उल्टा एक बात सही कही पाखी ने कि आप लोगों के झगड़े की असर छोटी बच्ची पे होते हैं, इसीलिए ये ध्यान रखना आगे से। और वो अधिक सब कुछ सुन रहा था, चुपचाप सुन के निकल गया वहाँ से कि क्या हुआ पता नहीं। फिर पर पाखी को जैसे ही रोमिल ने बोला कि तुम ये जानती हो तो तुम उसे क्यों बढ़ावा दे रही हो, तो बात बात में पाखी का इसका पक्ष लेना अधिक का अच्छा नहीं लगता है। और अनुपमा हॉस्पिटल में बताने ही वाली थी, समर और आ गए, पर कल के आने वाले या आगे के एपिसोड में पता चल ही जाएगा कि अनुज ने सारी कड़ियाँ जोड़ ली, कि अनुज को पता चल गया कि ये बच्चा काव्या का नहीं है, काव्या अनिल वनराज का नहीं है, अनिरुद्ध का है, तो उन दोनों के समझाने से शायद वनराज को मान जाएंगे। और आज वनराज का एक थोड़ा सा अच्छा लगा कि वो कोशिश कर रहा है अपने तरफ से, पर अभी थोड़ा सा उसको मेल ईगो है तो वो इतनी जल्दी नहीं मानेगा, लेकिन
अनुज के समझाने से शायद मान जाएगा कि इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, रिश्ते नाजायज होते हैं, बच्चे की क्या गलती है, ऐसा करके शायद अनुज अनुपमा के समझाने से मान जाएगा। और पाखी ने जब रोमिल को डांटा कि उसमें तुम मत बीच में बोलो, बच्चे हो बच्चे बनकर ही रहो, मैं तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह मानती हूँ, तो मैम इसमें पाखी का खुद का भी स्वार्थ है कि वो यहाँ से निकलना नहीं चाहती। पर अनुपमा, अब आपको बड़े अनुज कड़े फैसले लेने ही चाहिए कि पाखी पे भले भूत सवार है अधिक के प्यार का, तो थोड़े समय के लिए अलग रहो, ना मुझे देखना तुम्हें तकलीफ़ में और ना मुझे तुम्हें देखकर जलना कि मैं ना मुझे परेशान होना, इस तरह से निकालो थोड़े दिन के लिए इसको, तो अधिक का असली चेहरा सामने आने के बाद में आप पाखी को सपोर्ट देना, दिल से आप उसके साथ में हो। माता पिता कभी भी बच्चों का बुरा नहीं सोचते। अनुपमा, मानती हूँ कि आपको पाखी को तकलीफ़ में देख के अलग उगर नहीं मन मानेगा, लेकिन कड़वी दवाई भी हमेशा माँ ही पिलाती है, तो ये सोच कर आपको करना ही पड़ेगा। और नए प्रोमो में गुरु माँ को अनुपमा ने देखा, ऐसे हाल में अनुपमा ने कहा तो अनुज का ये सच में ये हम सबके लिए सवाल भी है, हम सबके मन में भी यही सवाल उठ रहा है कि गुरु माँ इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होके अचानक से ऐसे हाल में कैसे आई। थैंक यू सो मच अंजू मैम इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। और वर्षा जी, आपको थोड़ी सी हंसी आई मेरी फनी बात से, अच्छा लगा। यूं ही आप खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। गुड मॉर्निंग मैम, अधिक ने तो हद ही कर दी बेशर्मी की। हरकतें इसकी इसी के संस्कार बयां कर रही हैं, हरकतें ही ऐसी नाजायज कर रहा है। रोमिल जो एक टीनेजर बच्चा है उससे ये पंगे ले रहा है, इसके तो कर्म ही ऐसे हैं, एक दिन ये मुंह की खाएगा ज़रूर, ये तो तय ही है। आज का कर्म तुम्हारा कल का परिणाम बनेगा, आज का कर्म तुम्हारा कल का परिणाम बनेगा, आज जो बोया बबूल तो कल कभी ना आम मिलेगा। गुस्सा कभी भी किसी का भला नहीं करता, अधिक का ये गुस्से का ओवरडोज अधिक की ही पोल खोलेगा, और ये डोज पाखी को नुकसान पहुंचाएगा, अनुपमा के सब्र के सारे बांध तोड़ देगा। पाखी जल्दी ही अधिक की सच्चाई को जान जाएगी, क्योंकि रोमिल भी पाखी को बचाना चाहता है, और हो सकता है वो अधिक की हरकतों को कैमरे में कैद कर ले, और बरखा और अधिक दोनों की पोल पट्टी खोल दे। ऐसा भी संभव है, क्योंकि बच्चे बड़ों से ज़्यादा ये काम आसानी से कर सकते हैं। अधिक का गुस्सा ही उसके फिनिश होने का कारण बनेगा। बर्बादियों को न्योता देता है गुस्सा, बर्बादियों को न्योता देता है गुस्सा, रहना है आबाद तो दरकिनार कर बर्बादियाँ, बिगुल बजा दे आबादियों का। जो इज्जत के लायक नहीं होता उसे इज्जत हदम भी नहीं होती, जैसा डिम्पी के केस में हुआ है। काव्या के गिरने का कारण तो डिम्पी ही बनी है। रिस्पेक्ट जो है कभी हमेशा कमाई जाती है, और डिम्पी ड्रैगन ने तो ये रिस्पेक्ट कमाना सीखा ही नहीं। वाह, इस उम्र में भी रसोई संभाल रही है, ये हिम्मत और हौसला है उस औरत का। केंजल और काव्या बा के इसी गुणों का गुणगान कर रही हैं कि इस उम्र में भी वो कितनी ज़्यादा एक्टिव हैं। सारी उम्र रसोई को दे दी हो जिसने। अनुपमा के समय में ये गैप जरूर आया था, लेकिन अब फिर से एक्टिव हो चुकी है ये बा। औरत हूँ मैं आग से है नाता मेरा, औरत हूँ मैं आग से है नाता मेरा, जिंदगी के लम्हे अक्सर बिताती हूँ मैं अपने रसोई घर में, कभी पिता के लिए,
कभी पति के लिए तो कभी बच्चों की खातिर मैं रसोई में रह जाती हूँ। मेरे ज़्यादातर लम्हों को पहचानती है मेरी रसोई। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी आज पाखी और रोमिल की बातें अधिक सुनता है और उनको बातें करते हुए देख लेता है, तो अभी आज कुछ बोला तो नहीं, पर हाँ आने वाले वक्त में ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। जैसा आपने कहा वो भी पॉसिबल है, ऐसा कुछ करेगा मुझे ऐसा लगता है कि वो पाखी और रोमिल के रिश्ते को लेकर शक करेगा जो भी, तो उसे टॉर्चर करेगा। और इधर डिम्पल, आप मैंने कह रही है, मैंने जानबूझ के नहीं कहा आखिर कि अभी बाग गुस्से में है और समर समझ रहा है, समर ने आज समझा है। और घबराई हो तो है डिम्पी, पर शायद मुझे लगता है कि इसके बाद डिम्पल समझेगी। मैंने कल भी कहा था और आज ऐसा लगता है कि डिम्पल कहीं ना कहीं अभी अपने आप को बदलेगी। उसने आज समझ लिया कि गुस्सा करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। और वनराज और अनुपमा की बातें जो रिकेप में सुन ली है अनुज ने, मुझे सच्चाई अनुपमा बताना चाहती है, बता रही थी, पर तोशु और समर आ गए इसलिए अनुपमा चुप रह गई। पर उसे लगा कि अरे मैं गलत कर रही थी क्या बता के। तो अगर देखा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं मैम इसमें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक तो अनुज ने उस समय भी क्लियर किया था कि मायके की बातें ज़रूरी नहीं कि हर बात बताई जाए ससुराल और मायके के एक दूसरे को, तो वो उस पर भी लगा था। और आज अनुपमा कह रही है कि अनुज से मैंने अनुज को नहीं बताया, और उसने यहाँ अगर एक्स हस्बैंड को अगर छोड़ा तो, मुझे लगता है अगर एक्स हस्बैंड या रिश्ता ना छोड़ा तो किसी को उसने कहा है कि नहीं बताऊँगी। और काव्य ने भी नहीं, ऐसा नहीं बोला कि बताना नहीं, पर उसने तब भी कहा था ना अनुपमा ने कि मैंने ये काव्य की बात है और मैं किसी का विश्वास नहीं तोड़ सकती। तो काव्य ने ऐसा कहते हुए जरूर नहीं दिखाया, पर ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि वो क्यों बताए किसी और की बात, खुद बताए काव्य, तो ये भी एक हो सकता है। मुझे लगता है कि अनुपमा उसमें वो खुद नहीं बताना चाहती होगी, काव्य का सच किसी और को कैसे बताएगी जब तक काव्य नहीं कहती है तब तक, तो मुझे ऐसा लगता है। तो ये वजह थी उसकी नहीं बताने की, बाकी दूसरा कुछ नहीं। अगर नॉर्मल लिया जाए तो अपन जनरल लाइफ में भी तो ऐसे होता है कि हम अगर कोई हमारा दोस्त है और वो हमें कोई पर्सनल बात बताता है और उसको लगता है कि ये बात मैंने किसी से भी शेयर नहीं करनी चाहिए, और अगर उससे उसके पति का कोई लेना देना ही नहीं है, समझा, उस बात से पति का कोई लेना देना नहीं है। जैसे अभी काव्य प्रेगनेंट है, अनिरुद्ध के बच्चे, तो इसमें सच पूछा जाए तो अनुज अनुपमा को कोई लेना देना नहीं है, वो उनका पर्सनल मैटर है। हाँ अनुपमा ने जाके पूछा नहीं, वो अनुपमा को आके बताया। और इसमें इसको भी अनुज का भी मुझे नहीं लगता कि सीधा सीधा कोई है। अगर ये विश्वास वाली है और अविश्वास नहीं, अगर उससे रिलेटेड कोई बात होती है और अगर वो अनुज को नहीं बताती तो बात अलग होता है ना अनुपमा से, तो मुझे वो लगता नहीं कि वो उससे रिलेटेड बात है। हाँ उसके बच्चों को, बाबा पूजी को या उसको कुछ कहते तो बात अलग है, पर ये वनराज का, और वो कहेगी भी वनराज, उसने अनुज ने ये भी कहा कि अच्छा तो वनराज उस दिन आया था, तो मुझे लग नहीं रहा। पर आपका जो कह रहा है तो वो भी अगर आ सकता है मन में, ख्याल आने में क्या लगता है, अगर मन में अगर ऐसा कोई घर कर जाती है कोई बात तो कह नहीं जा सकता, पर मुझे नहीं लगता, ये थोड़ा नहीं लग रहा है, पर 50-50 तो लगता है मुझे। आपकी बात भी सही है कि एक्स पति और उसकी वाइफ, तो वो थोड़ा अजीब सा लगता है, वो रिश्ता थोड़ा अजीब सा है, तो अब अनुपमा कैसे उसको समझाएगी। अनुपमा को भी बाद में शायद लगेगा। और हाँ ये बात तो जाहिर है, मैं तो हमें भी इसके पहले भी कहा था कि जब वो शाह उस फ़ोन कह रहे बराबर आती है तो ठीक है, वो उस दिन का एक अचानक रात को फ़ोन आया, पर मुझे लगता है कि अनुपमा ने ये लाइन तो क्रॉस करनी चाहिए। बार बार अगर यही गलती एक बार समझ में आ गया कि मैंने, तब अनुपमा ने भी कहा था कि मैंने भी गलतियाँ की और मैंने भी लाइन क्रॉस करनी चाहिए। बहुत बार अनुपमा ने पहले एक्सेप्ट किया था, पर आज अगर वो फिर से वही गलती करेगी तो ये तो गलत है, ये गलत है। बार बार वही ट्रैक को नहीं दिखाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और देखते हैं भी उसके बारे में क्या है, पर मुझे और ये अनु शायद वनराज एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा पता नहीं, अभी शायद अनुज अगर इसमें इन्वॉल्व हो गया तो अनुज भी अपने
तरीके से समझाएगा कि आपके कहीं ना कहीं उसको जो मैली को लगता है कि लोग मेरी कमजोरी समझेंगे इस बात को, तो शायद अनुज उसको समझा पाए। ऐसा मुझे लगता है कि एक बार किसी और का सपोर्ट मिल जाए किसी जेंट्स का, तो शायद वो अपने तरीके इसके से समझ भी सकेगा। तो मुझे देखना है वो आगे क्या होता है। तो और हाँ, डिम्पल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी काव्या की। और दूसरी बात है कि जो गुरु माँ का दिखा रहे, तो मुझे वही साजिश वाली फीलिंग आती है, क्योंकि जब वो वहाँ से निकल जाती है और कहती है गुरु माँ कैसे हो सकती है, तो यह नहीं, उसका मतलब तो ये हुआ कि गुरु माँ ने अनुज अनुपमा को पहचानने से इनकार किया। तो शायद वो याददाश्त से सुनने में आया मुझे कि याददाश्त जा सकती है गुरु माँ की, तो सडनली दो दिन में याददाश्त कैसे जाएगी, मुझे वो भी या दो तीन दिन ही हुए, तीन चार कुछ दिन ही हुए, जैसा कि डिम्पल ने कहा था कि बंटवारा हुए तीन चार दिन कुछ दिन ही तो हुए, तो इतने कम समय में याददाश्त कैसे जाएगी। अगर याददाश्त गई तो फिर कल भी मुझे वही लगा कि नकुल का क्या, नकुल कैसे फिर गुरु माँ को अकेले छोड़ सकता है, क्योंकि वो तो बेटा है उनका, उससे बेटा माना है, वो भी अपनी गुरु माँ से बहुत प्यार करता है, इसलिए तो वो सिर्फ समझाता है गुरु माँ को कि उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता, या फिर अनुपमा को जाके कोई बताता नहीं बात, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद गुरु माँ का ये कोई नाटक तो नहीं है। हाँ, नाटक करते करते कपड़िया उसे मेंशन में पहुँच सकती है अनुपमा गुरु माँ यानी मालती देवी, पर मुझे लगता है फिर वहाँ जाके शायद साथ में रह के पता चले कि अनुज उनका बेटा है, ये शायद ऐसा हो सकता है, तो शायद वो पहले तो एंट्री कपड़े हाउस में मुझे लगता साजिश के साथ ही लेगी। देखते क्या है, क्योंकि इतने जल्दी इतना रास्ते पे आना, तो सच में कल से बात हजम ही नहीं हो रही है, जब से दिखा रहे तब से तो थोड़ा मुश्किल है इस बात को समझना, पर देखते हैं। थैंक यू सो मच अंजू जी। अंजू जी, आपकी तबीयत कैसी है? आज आपके दोनों ऑडियो देखे, पर ठीक है, चेहरे से लग रहा था आपका, पर तबीयत कैसी है? प्लीज़ टेक केयर। थैंक यू सो मच अंजू जी। थैंक यू। हेलो अंजू मैम, गुड आफ्टरनून। आज का एपिसोड देखा, कल का भी देखा था, आज का एपिसोड भी अच्छा था। डिम्पी को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, उसने जानबूझ पर गुस्सा दुश्मन है ये, रोमिल सही कह रहा है पाखी को, पर पाखी सुन नहीं रही है। अब है ना, अधिक को निकाल देना चाहिए, बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं घटिया पंथी पे ये हो गया है। और वनराज रिकैप में देखा कि वनराज बोल रहा है कि मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा काव्या के बच्चे को, ये अनुज सुन लेता है। तो अनुज और अनुपमा, आपका रिकैप आपका ये भी देखा, पर अनुज और अनुपमा के रिश्ते में इसका असर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनुपमा ने पहले ही बोल दिया था कि आपको बताना चाहती हूँ पर बता नहीं सकती, कुछ ऐसी बात है। तो इस बात का तो ये करेगा, क्योंकि अनुज ने भी तो माया की सच्चाई छुपाई थी, वो तो बाद में मालूम पड़ी शिवरात्रि के दिन, इसलिए ये नहीं होना चाहिए। और ऐसा गलत अनुज और अनुपमा के रिश्ते में तो हमको कुछ भी गलत नहीं देखना है, ना ही दोनों के बीच में। वो अगर एक दूसरे को कुछ आज भी बताने की कोशिश करी उसने, पर बता नहीं पाई, तो शु और पाक ये आ गए। कुछ अच्छा दिखाओ अब, है ना, बहुत हो गया है, और अधिक का तो बहुत अति हो गया, अब अधिक का बंद कर देना चाहिए और भगाना चाहिए। बरखा को भी ये करो, और ये और रोमिल का और भी कुछ अच्छा दिखाओ, वो भी अब अच्छे इस पे आ रहा है, उसको वाकई में प्यार की ज़रूरत है। और अनुपमा और अनुज का भी कुछ अच्छा बताओ, कि कुछ ये बहुत हो गया है इन लोगों के लफड़े झपड़े निपटाते निपटाते, कुछ तो अच्छा दिखाओ इन दोनों का, इन दोनों जरा सा दिखाते हैं और सब ये। थैंक यू अंजू मैम, और मेरी सभी सहेलियों को, मेरी सभी बहनों को प्यार भरा नमस्ते, और खुश रहो, मस्त रहो। थैंक यू अंजू मैम, थैंक यू। नमस्ते अंजू जी, और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और आज का आपका रिव्यू भी सुना, और आज का एपिसोड भी देखा अंजू जी। अनुज और अनुपमा के बारे में जो कुछ भी कहा आपने अंजू जी, कि शायद उन दोनों के बीच में दूरी आ सकती है, थोड़ा मन मुटाव हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा अंजू जी, क्योंकि अनुज अनुपमा को बहुत अच्छे से जानता है। अगर कोई बात उसने छुपाई है तो वो ये भी समझता है, इसलिए ऐसा कभी कुछ भी नहीं होगा कि अनुज अनुपमा को ना समझे।
लेकिन फिर भी एक बात है कि बताना चाहिए था, लेकिन अब वो भी क्या करे, क्योंकि काव्या ने भी कहा था कि ये बात किसी से मत कहना, और वनराज ने तो कहा ही था, इसीलिए अनुपमा ने नहीं बताया। लेकिन आज बहुत अच्छा एपिसोड दिखाया कि अनुपमा मंदिर जा रही है काव्या के ही बच्चे के पूजा के लिए, लेकिन वही उससे जाने से पहले ही उसे कुछ तो भी अजीब लगता है कि कुछ तो भी गलत होने वाला है। तभी फोन आ जाता है और वो हॉस्पिटल चले जाते, और बाजार में भी उसने मालती देवी को देखा, लेकिन वो तो वहां से चली गई। तो अनुज भी कहता है कि वो मालती देवी नहीं है। यहाँ पे रोमिल भी पाखी को समझा रहा है, लेकिन पाखी किसी की बात सुनने को ही तैयार नहीं है, तो क्या कहे। रोमिल ने एक एक सब सही कहा, और अधिक जानबूझ के वहां पे अपने पैरों के बूट की लेस बांध रहा था और उनकी बातें सुन रहा था। लेकिन पाखी ने भी अपने कड़े शब्दों में कह दिया कि ये मेरे और मेरे पति के बीच की बात है, तुम छोटे हो, छोटे बनकर ही रहो, मेरे और मेरे पति के बीच में मत आओ, जो कुछ भी होगा मैं देख लूंगी। इसलिए पाखी के लिए बोलना बिल्कुल कोई कोई सेंस ही नहीं है उसके बारे में बोलने के लिए, जब उसे किसी के बात ही नहीं सुननी है तो। लेकिन अधिक और अब और भी डेंजर होने वाला है, वो क्या करेगा वो तो नहीं पता, लेकिन वो बहुत ही बुरा करेगा जरूर। इसलिए अब देखते हैं। वनराज एक तरफ तो काव्या के बारे में सोचता है, लेकिन दूसरे पल फिर से उसे वही सब कुछ याद आ जाता है। एक तरफ वो कहता है कि हमारे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरे पल फिर से वो उसे वही सब कुछ याद आ जाता है अनिरुद्ध के बारे में। और कल भी आपने बताया था अंजू जी कि डिम्पी को गिल्ट फील होगा और शायद वो सुधरे। अब पता नहीं कितनी सुधरती है वो, लेकिन उसे भी अभी इस वक्त तो उसे भी बुरा लगा। समर ने भी सही कहा कि गुस्सा इंसान को सिर्फ और सिर्फ उसका काम ही बिगाड़ता है। गुस्सा, गुस्से में हम जो करना नहीं चाहते लेकिन फिर भी हो जाता है हमारे गुस्से की वजह से। लेकिन एक बात डिम्पी की भी बहुत अच्छी लगी अंजू जी की, उसने कहा कि अगर पैसे लगेंगे तो अनुज जी से या मम्मी से मत लेना, तुम दे देना। अच्छी लगी वो बात। और अनुज और अनुपमा का रिश्ता सच में बहुत ही अलग है। दोनों की सोच भी अलग है, दोनों की सोच भी एक ही। अंजू जी कल आपने कहा था कि रोमिल अब अपना पैतरा बदल सकता है, लेकिन वो कितने भी पैतरे बदलेगा, लेकिन पाखी जब तक खुद के लिए स्टैंड नहीं लेंगे उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। कल बहुत ही अच्छा लगा, अनुपमा ने भी सीधा सीधा जवाब दे दिया कि आज के बाद अगर इन दोनों की वजह से कभी भी झगड़े हुए तो दोनों को घसीट के घर से बाहर फेंक दूंगी सामान के साथ। बिल्कुल सही कहा अनुपमा ने। लेकिन परखा अपने भाई को समझाने गई कि बताया तो उल्टा वो पाखी को ही हर्ट करने लगा। वो हमने सुना है ना, साइको किलर, साइको आशिक, ये साइको पति है, ये नहीं सुधर सकता। ये डबल गेम खेल रहा है, जो पाखी को नहीं दिख रहा है, दिख रहा है लेकिन फिर भी अंधी बनी हुई है। आज एक तरफ डिम्पी को बोला बुरा भी लग रहा है, और कल भी कह रही थी कि परी मुझे जज नहीं करती इसलिए परी मुझे अच्छी लगती है, आप लोग जज करते इसलिए आप लोग बुरे हो। सच में डिम्पी के बारे में अब कोई वर्ड ही नहीं है कि क्या बोले उसके लिए। इसलिए मैं ज्यादा कुछ भी नहीं करना चाहती, लेकिन आज का एपिसोड ठीक था,
देखते अभी आगे और क्या दिखाते, कल और इंटरेस्टिंग रहेगा। अनुज को पता चल चुका है तो कल देखते हैं और क्या दिखाते हैं सीरियल में। लेकिन आज के लिए आज का एपिसोड ठीक ही था। अब काव्या और उसका बच्चा ठीक रहे, अनुज अनुपमा के बीच में भी। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, महिमा सॉरी मैम इतना देरी हो गया भेजने के लिए, आई एम वेरी सॉरी। आजकल ऑफिस का वर्क और घर को डेकोरेशन करने में इतना टाइम निकल रहा है ना कि मोबाइल को हाथ लगाने का फुर्सत तक नहीं मिल रहा। अब तो लगता है कि कभी दो दिन में एक बार होगा, कभी एक दिन में एक बार होगा, ऐसे ही लगता है मुझे हंगर स्पिरिट में आपसे बात कर पाऊँगी। आज एपिसोड देखा, अच्छा लगा देखकर कि अनुज और अनुपमा हर तरफ से एडजस्ट कर जाते हैं, सबका सेवा कर जाते हैं। और काव्य और वनराज के चक्कर में कहीं अनुज और अनुपमा की दूरियां ना बढ़ जाए, यही डर लग रहा है। और ओमिल बेचारा समझा समझा के पाखी को थक गया है। ये पाखी सच में बेवकूफ़ और बोलते हैं ना अलग ही हिसाब की लड़की है वो। पहले तो ऐसे जवाब देती थी, मूड तोड़ जवाब, अपनी माँ से बदतमीजी से कहने से पीछे नहीं कर सकती थी। आज वो लड़की ऐसी हो गई है कि यार मैं हूँ ना करने के लिए, मेरा पति मेरा पति मेरा पति मेरा पति, माई फुट मेरा पति। समझा नहीं सकती है कि हाथ तो लगाना, बाकी हाथ तोड़ के हाथ में दे दूँगी दोबारा हाथ लगाया तो। पागलों की तरह उसकी दर्द को बर्दाश्त कर रही है। एक बार अधिक को जोरदार चाटा खुद मारे ना पाकि तो अक्ल ठिकाने आ जाए कि मैंने उस पर हाथ बोला, कि उसे एहसास कराया कि जब मैं तुम्हारा टारगेट साइन कर रही हूँ तो तुम्हें भी अब क्या हुआ, एक थप्पड़ मारा तो तुम्हें कैसा लगा। वो जवाब तो पाकि से होगा नहीं, क्योंकि अनुपमा की बेटी है ना, अनुपमा स्टैंड लेना जानती है अपने लिए, लेकिन पाकि अपने लिए स्टैंड लेना नहीं जानती। हाँ एक चीज़ मैंने ये भी देखा था कि फर्स्ट टाइम जब अनुपमा स्टार्टिंग हुआ था तो वनराज की हर टॉर्चर वो बर्दाश्त करती थी, लेकिन फिजिकली बर्दाश्त नहीं करती थी। कभी वनराज को मैंने आज तक ही नहीं देखा कोई भी शो में या कोई भी चीज़ में कि अनुपमा पर वो थप्पड़ मारा हो। हाँ उसे कभी हाथ से नहीं मारा, लेकिन अपने जवान से अपनी हर बातों से उसने टॉर्चर करना वो नहीं छोड़ा। अपनी बात को बात की बात में नीचा दिखाना, उनके फैमिली वालों को नीचा दिखाना, वो सब वो जरूर किया है वनराज ने, लेकिन काव्य का ये चीज़ दिखा रहा है कि उसने कसम दी कि अनुपमा तुम वनराज को मत बताना ये प्रेगनेंसी का। अब वनराज को भी पता है इस मामले में, आज बार अनुज को पता चल जाएगा। आपने ये बात ठीक ही कहा है मैम कि वो बूंद बूंद जो बोलते हैं ना, बूंद बूंद घड़ा भरता है, तो जब पूरा फिर से वही कांड अनुपमा दोहरा रही है। अनुज और अनुपमा को एक दूसरे की सारी बातें, चाहे कुछ भी बातें हो, ए बी सी डी जो भी कोई भी बातें हो, उसे सारी बातों को शेयर करना चाहिए, ना कि दबाना चाहिए। वो कहते हैं ना, सारी दुनिया एक तरफ और पति और पत्नी एक तरफ। अगर पति पत्नी में अगर विश्वास, संयम, प्यार सब कुछ शामिल रहता है तो सारी दुनिया कितना ही खिलाफ हो जाए, पर पति पत्नी अगर एक साथ खड़े होते हैं ना तो सारी दुनिया से लड़ जाते हैं। ये चीज़ अनुपमा के अंदर इतनी बड़ी गलती है कि उसे कम से कम अपने आप पर भरोसा नहीं है तो मत करें ना। अपने पति पर तो भरोसा है, अनुज पर तो भरोसा है कि अनुज ये काम नहीं करेगा, अनुज को मैं बताऊंगी तो अनुज बात को संभालेगा। बल्कि अनुज अपनी थॉट से अगर वनराज का माइंड भी चेंज कर सकता है कि मैं भी तो एक अडॉप्शन बच्चा हूँ, क्या हो गया तुम उसे प्यार करके बड़ा कर दोगे, तुम्हारे अगर वो तुम्हारे बच्चों से ज़्यादा तुम्हें प्यार करने लग जाए कि अपने पिता का रूप देख ले। लेकिन वो तो काम अनुपमा भी नहीं कर पा रही है। अब वो खुश हो रही है देखकर कि सिर्फ वनराज काव्य को हाथ रख रहा है, उसे समझा रहा है, बार बार हमारा बच्चा हमारा बच्चा कर रहा है। फिर बोलता है कि अनिरुद्ध का बच्चा को मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, और अनुज सुन लेते हैं। और इधर मालती मैम को दिखाता है कि गाड़ी के सामने, मालती मैम का तो मैं बात ही नहीं करना चाहती कि उसके बारे में बोलना मतलब मेरे सर दर्द करना, इसलिए मैं उनके बारे में नेगेटिविटी बोलना ही नहीं चाहती कि पता नहीं नाटक है या वो सच में
बीमार है या क्या है क्या नहीं है वो नहीं पता, लेकिन अच्छा है जब एक गुरु अपना अहम सामने ला देते हैं, अपने आप को बहुत टैलेंटेड समझ लेते हैं कि मेरे शिष्य को ऐसे दबाना है, उनके बच्चों को ऐसे करना है, तो उनके साथ ऐसा होना लाजमी है। और एक चीज़ कहना चाह रही हूँ मैम, एक बात मुँह से निकल रहा है, दुआओं में जितना फल मिलता है, जितने समझ में आता है, वो चीज़ अपने आप में बहुत बड़ा काबिल होता है। आज अगर वनराज अपने आप को चेंज कर लेता है तो शायद पाखी के साथ जो जैसा हो रहा है, वो कहते हैं ना कि सरस्वती सबके मुंह में वास करती है, कब सरस्वती मुंह में सही तरह से वास कर जाए और कब बात सच हो जाए वो पता नहीं लगता है। काव्या प्रेग्नेंट है, पर वनराज को ये सोचना चाहिए कि मेरी पाखी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, भगवान ऊपर से देख रहे हैं कि तुम उस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, तो तुम्हारी जब बच्ची को इतना तकलीफ हो रही है तो वो काव्या के बच्चे को तुमको संभालना चाहिए। मतलब एक होता है ना मैम वाइब्रेशन, चेंजिंग वाइब्रेशन, मतलब वो भी ऊपर से, भगवान नहीं चाहते हैं कि उनका बच्चे ऊपर कोई दरार आए या कोई चीज़ ऐसा कुछ हो, लेकिन कभी कभी उस बच्चों को भी टेस्ट देना पड़ता है, उस पेरेंट्स को भी टेस्ट देना पड़ता है। आज अनुपमा में क्या कमी है, अनुपमा में ऐसा क्या कमी है कि वो हर तरफ से उसी के ऊपर टेंशन आता है, क्योंकि वो सही है। और भगवान सबसे ज़्यादा टेस्ट किसका लेते हैं, जब वो ज़्यादा सही होता है, और जो ज़्यादा पॉजिटिव होता है उन्हें ज़्यादा ही एग्ज़ाम देना पड़ता है। अब यही बात कहूँगी कि आगे का स्टोरी क्या होगा वो पता नहीं है। मैं तो यही चाहूँगी कि आगे का स्टोरी बहुत यूनिक हो, अच्छा हो। अभी तो बहुत सारा चैलेंजेस आ रहा है, प्लस अभी पाखी अधिक का चल ही रहा है, अभी मालती मैम का क्या होगा क्या नहीं होगा उनको बीच में ला के डाल दिया है, और काव्या वनराज का मैटर चल गया है, अनुज को अब वो सोच में पड़ गया है कि अब सोच में पड़ेगा ही, वो बार बार अनुपमा के पूछने से भी वो नहीं समझ पाएगा कि उसके सामने सिर्फ ना करेगा कि नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ समझना चाहिए अनुज को और अनुपमा को, अनुज को भी कभी कभी, अनुज ने भी बहुत सारी बातें छिपाई है, जैसे कि उसने अडॉप्शन वाली बातें छिपाई थी, मालविका वाला बात छिपाई थी, और अपने भैया भाभी के बारे में भी उसने नहीं बताया था, वो भी बात छिपाया था, माया वाला ट्रैक का जो उसने रात में उसने अचानक किस कर डाली थी तो वो वाला भी बात छिपाया था। मतलब बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें हैं वो बात नहीं बताया था अनुपमा को। तो वो अनुज को सोचना पड़ेगा कि नहीं, जब अनुपमा ने मुझे हर बात बताती है तो मुझे भी सब कुछ बताना जब वो सारी बातें बताती है तो इस वजह से उसे माफ़ कर देना चाहिए। ऐसा कोई ट्रेजिडी नहीं होना चाहिए एक दूसरे की दूरियां, बल्कि और पास में आने चाहिए। और एक चीज़ आज मैंने नोटिस किया है कि समर पारितोष दिल के बहुत अच्छे हैं, दोनों सगे भाई हैं, लेकिन उन लोग की वो बातें हैं पैचेबल नहीं करती। और सबसे ज़्यादा अच्छा लगा डिम्पल का, जो उसने किया है और अपने अंदर से गिल्ट है कि भगवान मुझे थप्पड़ मारो चाहे जो भी करो वो मंजूर है, लेकिन काव्य और काव्य के बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। चलो कुछ तो इंसानियत उसके अंदर है, कुछ तो पॉजिटिव है उसके अंदर, कि दुआएं मांग रही है भगवान से कि काशी कुछ ना हो जाए, वरना सबसे बड़ा गिल्ट उसी को रहेगा कि मेरी वजह से ऐसा कुछ हुआ, अगर मैं गुस्सा शांत रखती तो शायद ऐसा नहीं होता। और क्या हुआ, दोस्त लोग जा रहे हैं, दोस्त लोग को बस ये बोलेंगे एक मदर एक दादी दादी माँ बोल दी तो क्या गलत कर दी। सबके घर में यही है, जिसके घर में भी जाओ आज आप विश्वास नहीं करेंगे मैम, अभी तो सब अपने बेडरूम तक अपना अपना चप्पल लेके आ जाते हैं, लेकिन पहले के लोग तो बेडरूम में चप्पल तक नहीं लाते थे, भले ठंडा है जो भी है मोजा पहन लो, लेकिन चप्पल पहन के ना चौका में आना है, ना पूजा रूम में जाना है, ना अपने बेडरूम में जाना है, मोजा पहन के तुम कहीं भी जाओ, कहीं भी कुछ करो, कोई भी काम करो, लेकिन चप्पल नहीं पहनने देती थी। अभी सब कोई ऐसे ही करती है, बहुत कम लेडीज लोग ऐसा बात मानती है कि चलो चौका में चप्पल नहीं ले जाना, बल्कि सब की सब ले जाती है।
मैं तो नहीं लेके जाती हूँ मैम, ये बात तो मैं भी कह दे रही हूँ, मैं नहीं लेके जाती हूँ, मुझे तो खुद को पसंद नहीं है, कोई लेके आता तो मैं बल्कि उसको और डांटती हूँ कि लेके जाओ, बाहर लेके जाओ। और बस इतना ही कहना है मैम, थैंक यू, दुआओं में मैं आपको याद करती हूँ। और मैम आई एम वेरी सॉरी कि मैं हर दिन नहीं दे पाऊँगी इस बार, क्योंकि बहुत मैं मिस तो आप लोग को सबको करती हूँ, कुमुन त्रिपाठी दीदी, वर्षा दीदी, सबनम दीदी, ख्याति दीदी, एवर एंड एवर लेडीज, मतलब जितने भी हमारी फ्रेंड्स लोग हैं, सबको बहुत मिस करती हूँ, सबकी बातें बहुत मिस करती हूँ। इसलिए मैं सबसे सॉरी कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत कम हंग्री स्पिरिट में बात कर पाऊँगी, नेचुरली थोड़ा बहुत तो मन तो करता है बात करने का लेकिन नहीं हो पाता है। आई एम वेरी सॉरी, आई लव यू टू ऑल टू मैम, बस इतना ही बोलना है, थैंक यू, बाय बाय। तो ये सर दोस्तों आज के ऑडियोस कैसे लगे आपको, आपका भी मन है अगर भेजने का तो जरूर भेजिए, नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523, इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।